तो गाइस मैं अभी बनानी सीख रहा हूँ अभी सब्जी, तो अभी भिंडी की सब्जी बनानी सीख रहा हूँ मैं। एक्चुअली मुझे कोई भी हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइस आज है ईद और आज है हमारे सागर भाई हमारे साथ में, तो मैं सभी अपने मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत ही पावन त्यौहार है मतलब हमारे सागर भाई अपने मुसलमान भाइयों के लिए, तो सभी भाइयों को ईद मुबारक हो। तो हमारे सागर भाई आज हमारे लिए ईदी देने के लिए आए अभी भाई देने के लिए आए अभी तो मैं आज ना पूछना चाहूँगा सागर भाई से, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे ज़्यादा ईद के बारे में पता नहीं है। तो मैं सागर भाई को बोला, मैंने भाई सागर भाई हम ईद क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व होता है, वो ईद में आप मतलब किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हो खुशी के साथ, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज है नहीं ना भाई, ये पूछना चाहिए यार ये किस तरह से मनाते हो आप ईद के लिए। हमारे ये रमजान का महीना आता है, एक महीने के हमारे रोजे होते हैं, ठीक है, उसमें हम एक महीना रोजे रखते हैं, उसके बाद हमें चांद दिखा देता है, ठीक है, फिर जब चांद दिखा देता है तो अगले दिन की ईद होती है। अच्छा, उसमें हम सुबह नमाज के लिए जाते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद सबको मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं और दुआ करते हैं अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए कि भाई हम सब मिलजुल कर रहे हैं और हम एक दूसरे का भाई साथ दें। और सबसे पहले हमारे नमाज पढ़ने से पहले एक हमारा फर्ज होता है, जो भी हमारे से जैसे नीचे गरीब हैं जो जिस मदद के लिए लायक हैं उनको हम एक जकात फितरा होता है वो हम देते हैं, तब हमारी नमाज अदा होती है, उससे पहले ये होता है। हमें उनको अगर अदा नहीं किया तो फिर हमारी नमाज नहीं लगेगी। हम अगर जो भी पैसा कमाते हैं उनका एक कुछ हिस्सा होता है वो हमें देना होता है। और हमारे इसमें ये रहता है कि हम जितने भी हैं साथ रहें, चाहे वो हमारा पड़ोसी है चाहे वो भी, सबसे मिलजुल कर रहें। और ये इसमें हमारा जैसे हमारे हुजूर हैं उनके जरिए जो बताई गई चीज़ है उनके रास्ते पर हम चल रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि हम कोई भी है चाहे वो कोई से भी धर्म से हमें एक मिलजुल कर रहना चाहिए और ये इंसानियत है। और हमारा अगर हम लड़ झगड़ के आते हैं और हमने नमाज अदा कर दी तो नमाज नहीं लगी। सबसे पहले हमारे माँ बाप हैं, अगर हमारे माँ बाप नाराज हैं तो हमारे खुदा भी नाराज है, हमारे नबी भी नाराज है, हमारे भगवान भी नाराज है। हमारी नमाज से पहले पहले हमने अपने परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी भी परिवार में माँ बाप से, तो हमें उसको पहले सुलझा कर लेना चाहिए। वो कोई नमाज नहीं है अगर हम अपने माँ बाप को नाराज करते हैं, अपने भाई को किसी को नाराज करते हैं, अपने पड़ोसी को नाराज करते हैं, चाहे पड़ोसी है चाहे माँ बाप है, ये एक जो मिलजुल कर चलने का रास्ता दिखाते हैं ये इसमें। अच्छा, तो मतलब एक तरीका प्यार का प्रतीक। हाँ, प्यार का प्रतीक है, सब जगह अमन शांति का प्रतीक मतलब माना गया है ईद को। तो काफी अच्छी बात बताई है सागर भाई ने हमें। तो मतलब कहते हैं ना गाइस, तो आज के दिन मैं बताऊंगा कि इस दुनिया में अगर ये लगा लो एक तरह का कोई भी फेस्टिवल है, हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता कोई भी फेस्टिवल, ईद हो आपके दिवाली हो होली हो कोई भी त्यौहार हो, वो हमें एक भाईचारे का प्रतीक है। सारे जितने भी त्यौहार हैं वो आपस में भाईचारे का प्रतीक होता है, तो हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई भी भेदभाव किसी ना किसी के साथ मत करो भाई, सबके सब हम एक इंसान है, बहुत अच्छे इंसानियत के नाता एक ही है वो है प्यार और शांति और अमन, कि बस इसके साथ में जीना चाहिए। और यही आज का संदेश है, सागर भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई आज हमें, तो अच्छा लगा। और मैं कहूँगा सभी भाइयों को आज के दिन ईद मुबारक हो और बहुत सवैया खाना भाई और अपने मिठाइयाँ खाना, ठीक है, तो शाम को मिलेंगे गए। तो अभी सागर भाई अभी तो सागर भाई हर बार ईद मुबारक देते हैं मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो वही बात ना गाइस। तो हमारे बीच में कभी भी आज तक ऐसा नहीं लगा कि एकदम दोस्त को दोस्त और इंसान को इंसान मानते हैं पास, मतलब हम नहीं मानते हम किस मजहब से क्या चीज़ है, हम क्या किस जाति से रखते हैं बिलोंग करते हैं, कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ रहती है, क्योंकि हमें इंसान का इंसान के नाता ही सबसे बड़ा नाता है। तो गाइस यही एक नाता है, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि ये सोच और विचार आगे भी जाए और हमारे काफी भाइयों को मतलब प्रेरित करें इस चीज के लिए। तो गाइस आज आंटी जी आई हैं अभी घर पे, तो आज है ईद, तो राहिला आंटी जी को और बच्चों को हैप्पी ईद, ईद मुबारक हो आप सबको। तो अभी तनु जी बना लिए चाय। तो गाइस हम हर एक ईद पे खीर खाते हैं और चने खाते हैं, तो काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं ये, मतलब आंटी जी काफ़ी स्वादिष्ट बनाती हैं खीर, तो इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब गिरी हुई है अभी, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी है इसके अंदर। हाँ ना अम्मी भी खाएगा अभी, ओए क्या खा रहा है यार, तो आप सभी को ईद मुबारक हो बहुत बहुत। तो गाइज मैं अभी बनानी सीख रहा हूँ अभी सब्जी, तो अभी भिंडी की सब्जी बनानी सीख रहा हूँ मैं। एक्चुअली मुझे कोई भी सब्जी बनानी नहीं आती है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ अभी इसको चलाने का काम मिला मुझे, बस अभी पलटते रहो सब्जी को पलटते रहो, बस अभी पलटने का काम सीख रहा हूँ अभी, ज़्यादा काम नहीं आता मुझे भाई। अगर सब्जी बनानी सीख ली ना तो फिर तो आपको पता ही है, घर वाले यही बोलेंगे भाई सब्जी बना ले, अभी तबीयत खराब है, तो इसलिए कोई मत सीखो भाई। बड़ा हरामी हो बेटा।